सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है सैमसंग स्मार्ट टीवी में जो है इंटरनेट स्पीड जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आप जो है इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो गाइस, आपको जो है सबसे पहले सैमसंग स्मार्ट टीवी की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर जर्नल के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिस्टम मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर आपको जो है क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम जो है यहाँ पर आपके पास करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है करेक्ट नहीं है तो आप जो है यहाँ पर क्लॉक मोड के ऊपर क्लिक कर मैनुअल सेट कीजिए। यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है आप मैनुअली इंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको जो है मैनुअल नहीं, यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लॉक मोड पर आपको जो है ऑटो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है, फिर से आपको जो है सैमसंग की टीवी में आना है। यहाँ पर स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर के बाद आपको यहाँ पर जर्नल में आना है। जर्नल में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर साइड में जो नेटवर्क ऑप्शन है यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर ओपन नेटवर्क सेटिंग के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप जो है नेटवर्क टाइप जो है सेलेक्ट कीजिए, आपके पास कौन सा नेटवर्क टाइप है। मेरे पास जो है यहाँ पर वायरलेस है, वाईफाई से कनेक्ट है, तो यहाँ पर मैं इसको वायरलेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वायरलेस, इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपकी स्मार्ट टीवी में जो आप देख सकते हैं आपके पास जो है यहाँ पर आपकी स्मार्ट टीवी अगर आपके पास जो है 5 GHz पर सपोर्ट करती है तो आप जो है उसको 5 GHz पर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास 5 GHz पर सपोर्ट नहीं करती है तो आप जो है उसको 2.4 GHz पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 5 GHz सपोर्ट करती है तो यहाँ पर मैं उसको 5 GHz सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बैक आते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जर्नल टैब में आना है। सेटिंग में आकर जर्नल टैब में आइए। उसके बाद नेटवर्क के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क स्टेटस, तो आपको जो है इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर IP सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं DNS सेटिंग, तो आपको जो है यहाँ पर DNS सेटिंग में आना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं DNS सेटिंग में जो है यहां पर एक गेट ऑटोमेटिकली है, तो आपको इसको सेलेक्ट कर यहां पर इंटर मैनुअली के ऊपर आपको जो है सेलेक्ट कर देना है। यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं DNS सर्वर, तो आपको जो है यहां पर 8.8.8.8 आपको जो है टाइप कर यहां पर ओके कर देना है, तो आपके पास इंटरनेट की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये मेथड आपके पास वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है यहां पर DNS सेटिंग में जो है 1.1.1.1 टाइप कीजिए, तो आपके पास ये वर्क करेगा। उसके बाद अगर आपके पास ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है यहाँ पर गेट ऑटोमेटिकली जो है रख लीजिए, ये डिफ़ॉल्ट में जो है वो ले लेगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है, फिर आपको इस सेटिंग को जो है क्लोज कर देना है। तो गैस आप जो है इजीली ए सिंपल मेथड जो है ट्राई कर आप अपने स्मार्ट टीवी में जो है सैमसंग स्मार्ट टीवी में इंटरनेट की स्पीड जो है इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाने, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।